एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगेन मीशो हॉल होने वाला है। एंड आज जो मैं आपके साथ मीशो से आउटफिट शेयर करूंगी, बहुत ही अमेजिंग है। कुर्ता सेट है और ड्रेसेस है, साड़ी है, ज्वेलरी है, सभी आपको एक साथ मिक्स में देखने को मिलेगा। एंड कुछ ऐसे कोड्स है जिनके कोड आपने मुझे दिए थे, कुछ ऐसे आउटफिट है जो मैंने पर्सनली खुद की पसंद से ही परचेज की है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है, या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से मीशो यूज आता है। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं। सभी जो आउटफिट शेयर कर रहे हो, सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे लाइक 30% या 40% का डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस, ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, ये भी मैंने मीशो से परचेज की है, फ्रॉम दी ब्रांड शैंडलिया। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है, कलरफुल साड़ी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, जाके चेकआउट करो, ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। यहाँ थंबनेल लगाने का ट्राई करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड मेरे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आउटफिट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लुक एट दिस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट है। एंड काफी टाइम से सोच रही थी परचेज करने का, बहुत सुंदर कुर्ता सेट है, पूरा आपको पिंक कलर में मिल जाएगा। आपको इसका कुर्ता बताती हूँ, इस तरीके का आपको ये वाला कुर्ता मिल जाएगा। कलर देखो कितना प्रीटी है, पिंक कलर में आपको पूरा ही कुर्ता मिलेगा, 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी। एंड इसका जो नेक है वो बहुत ही अच्छी है, पूरे नेक पे आपको ऐसी डिटेलिंग देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके का गोटे का काम किया गया है। पास से बताती हूँ, और टेसल लगाए हुए हैं। क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी प्रीटी है, बहुत ही नीटली काम किया हुआ है ये। एंड 3/4 इसमें आपको स्लीव्स मिलेगी, पूरी स्ट्रेट कुर्ती है। एंड चारों तरफ आपको ये वाला गोटे का बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। लेंथ काफी अच्छी है, कलर बहुत बहुत खूबसूरत है। एंड समर्स आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। अभी छोटा मोटा फंक्शन है या फिर आपको किसी भी चीज के अकॉर्डिंग परचेस करना है, तो डेफिनेटली इस कुर्ता सेट को बाय कर सकते हो। लाइक 700 या 750 के अराउंड कुछ है, तो उस रेंज में काफी ज्यादा वर्थ इट है। तो ये आपको रेयॉन का फैब्रिक मिल जाएगा, साइज जो मैंने है इसमें एम परचेस किया है, आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेस करना। तो इस तरीके का इसमें कुर्ता है। दुपट्टा आपको पूरा शिफॉन का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, और लहरिया प्रिंट में, मतलब प्रिंट बिल्कुल लाइट लहरिया प्रिंट किया गया है। मे बी अगर कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा, और साइड में आपको ये छोटे छोटे ये गोटे लगाए हुए हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं मुझे इस तरीके की चीजें। लाइक हैंडमेड टाइप लगती है, और बहुत ब्यूटीफुल लगती है इस तरीके के गोटे के फ्लावर्स लगाना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके का आपको ये वाला दुपट्टा मिलेगा, पूरा 2.25 मीटर का इन्होंने लाइट बिल्कुल दुपट्टा दिया है। लेंथ काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुपट्टा है। तो इस तरीके का आपको इसमें दुपट्टा मिल जाएगा। और पैंट के लिए इन्होंने इस तरीके की प्लाजो दिया हुआ है, लाइक ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, इलास्टिक वाला प्लाजो आपको मिल जाएगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा पहनने के बाद। क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेयॉन का फैब्रिक है, एंड बहुत ही अच्छा प्लाजो है, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, तो पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा इस सूट का इन अफोर्डेबल प्राइस। तो फर्स्ट वाला जो आउटफिट मैंने बाय किया है वो है ये वाला। अब जो नेक्स्ट मैंने बाय की है वो है ये वाली साड़ी। मैंने दो साड़ी पहले बाय की थी मीशो से, फ्रॉम दी ब्रांड शैंडलिया, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे। एंड ये वाली भी आप परचेज कर सकते हो, रियली हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको इस साड़ी को, बहुत बहुत सुंदर है साड़ी, पहनने के बाद इन अफोर्डेबल प्राइस काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो ये वाली साड़ी भी मुझे फिर नेक्स्ट मैंने बाय की है दो और शैंडलिया से, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लस वर्थ इट है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये वाली साड़ी अब की बार यहाँ से पिक की है। एंड ये पूरी साड़ी आपको बहुत ही सुंदर सी फ्लावर प्रिंट में देखने को मिल जाएगी, लाइक कहीं कहीं पे फ्लावर्स नहीं है, पूरा वो गार्डन वाला प्रिंट किया हुआ है, पूरे पे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, पूरी प्रिंटेड साड़ी है। लुक एट दिस गाइस, एक सेकेंड, इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी मिलेगी। ये इन्होंने जो है बॉर्डर लगाया हुआ है, वही सेम बॉर्डर जैसा वो शाइनिंग वाला नीचे आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा अटैच ही इसमें, और पूरी साड़ी पे आपको इस तरीके के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरीके की आपको पूरी प्रिंटेड साड़ी ये मिलने वाली है, बहुत अच्छी साड़ी है, हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको इस साड़ी को, कि
लुक काफी अच्छा आएगा इस साड़ी को पहनने के बाद। ये जो है इसका आंचल है, फिर यहाँ से ये वाली साड़ी जो है पूरा ये साड़ी है, और नीचे की साइड आपको इस तरीके का काम देखने को मिल जाएगा प्रिंट, और ऊपर की साइड आपको प्लेन मिल जाएगी। तो पूरी साड़ी आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ तो कॉटन लिनन का फैब्रिक है, और लिनन की साड़ी इतनी ब्यूटीफुल आती है, प्लस इसका जो फैब्रिक है इतना सॉफ्ट फैब्रिक होता है कि आप पूरे दिन भर आप इस साड़ी को आराम से कैरी करो, इतना अच्छा लगता है कैजुअल में वैसे भी, और खूब वॉश करो तो उस अकॉर्डिंग ये खराब भी नहीं होती है, क्योंकि ये ब्रांड की साड़ी है, इतनी अच्छी है, मैं काफ़ी बार यूज़ भी कर चुकी हूँ, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और प्लस आप किसी भी फंक्शन वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक आता है। तो इस तरीके की आपको ये साड़ी मिल जाएगी। और ये वाला इन्होंने ब्लाउज दिया है, 80 सेंटी या 90 सेंटीमीटर का ये ब्लाउज है इसमें, और आप चाहो ना तो इसे इस ब्लाउज के साथ पेयर अप ना करके, पूरी कलरफुल साड़ी है तो कोई से भी डिजाइनर ब्लाउज, हैवी डिजाइनर ब्लाउज के साथ आप इसे पेयर अप करना, बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक आएगा। उनकी साड़ी बिल्कुल लाइट है, और डिजाइनर हैवी ब्लाउज के साथ आप इसे कैरी करना, बहुत बहुत सुंदर लुक आने वाला है। तो मैंने ये वाली साड़ी जो है ये वाली पिक की है। अब जो नेक्स्ट मैंने साड़ी पिक की है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और इसी ब्रांड से है, फ्रॉम दी ब्रांड शंडलिया, और बहुत ज्यादा सुंदर है गाइस। डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ आपको इन साड़ियों को, कि बहुत सुंदर है। अगर आप ऑफिस जाते हो डेली यूज के अकॉर्डिंग भी चाहिए, या फिर आपके घर में अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग में चाहिए ना, मुझे इस तरीके की साड़ी काफी एलिगेंट लगती है। और इस तरीके की साड़ी क्या होती है, आप कैसी अगर ज्यादा डिजाइनर साड़ी लेती हो तो बहुत जल्दी फैशन आउट हो जाता है, बट ये कुछ ऐसी साड़ियां हैं जो पहनने के बाद भी एलिगेंट लगती है, कभी भी इनका फैशन आउट नहीं होता है, उस अकॉर्डिंग काफी ब्यूटीफुल लगी। तो ये वाली साड़ी और है जो मैंने पिक की है, पूरे ग्रीन कलर में आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, वो भी सेम फैब्रिक है, कॉटन लिनन का फैब्रिक है ये वाला भी। एंड लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल सी कलरफुल साड़ी है। मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली यार कलरफुल साड़ी लेने का, बिकॉज मुझे कलरफुल साड़ियाँ, कलरफुल ड्रेस हो गई इतनी ज़्यादा पसंद है, स्पेशली साड़ियाँ जो मिक्स में हो, बहुत सुंदर पचरंगी साड़ी, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी ये वाली साड़ी, तो मैंने ये भी पिक की है। एंड इसमें आपको ब्लाउज ब्लू कलर का मिल जाएगा जो कि इसमें अटैच आएगा, तो मुझे ब्लाउज थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे पेयर अप करूंगी बहुत ही सुंदर से डिजाइनर ब्लाउज के साथ, एंड उसके बाद लुक काफी अच्छा आने वाला है। एंड ये आपको 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज मिलेगा, अगर इसे भी स्टिच करवाना चाहो डेफिनेटली स्टिच करवा सकते हो। बाकी पूरी साड़ी आपको इस तरीके के प्रिंट देखने को मिल जाएगा, वो ही नीचे सेम ऐसा बॉर्डर है, शाइनिंग वाला बॉर्डर शाइनिंग वाला आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। पूरी एज इट इज आपको ये साड़ी मिलेगी, लाइक फुल साड़ी में आपको ये वाला प्रिंट देखने को मिलेगा, पूरी 5.5 मीटर की आपको ये वाली साड़ी मिल जाएगी, और बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। लुक एट दिस, इस तरीके की साड़ी मिलेगी, कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, अट्रैक्टिव है, उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। 90 या 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, एंड बहुत बहुत सुंदर साड़ी है, क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, डेफिनेटली इस ब्रांड की साड़ियाँ ट्राई करना, आपको भी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो नेक्स्ट मैंने ये वाली साड़ी मीशो से पिक की है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट है। अब जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक की है वो है ये वाली ड्रेस, और साइड में इमेज लगाऊंगी, बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, लाइक इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। मुझे रेड कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था इन सब कलर्स में, और ब्लैक कलर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैंने सोचा ब्लैक कलर की साड़ी हो गई इस हॉल में तो सेम हो जाएगा, तो मैंने ये वाला रेड कलर इसमें पिक किया है। एंड बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है ये वाली, लुक एट दिस ड्रेस, कितनी ब्यूटीफुल सी ड्रेस है ये वाली, पूरी पॉलकॉट और प्रिंट में ड्रेस मिल जाएगी आपको। इसमें आपको स्ट्रैप मिलेगी दो शोल्डर पे, और बिल्कुल स्लीवलेस है, स्लीव्स नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखो वेस्ट पे इन्होंने इलास्टिक लगाया हुआ है, पूरा ये रेयॉन का फैब्रिक है। लेयर्स में आपको ये ड्रेस मिलेगी, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो इस तरीके की आपको ड्रेस मिलेगी, पूरे में पोल्का डॉट प्रिंट किया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी पहनने के बाद। अगर आप आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं और तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी क्यूट सी ड्रेस है, पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो मैंने ये वाली ड्रेस बाय की है, इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल, क्योंकि इसमें पूरी क्या इलास्टिक वाली ड्रेस है और मेरे स्मॉल साइज परफेक्ट आता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं एम साइज परचेज करती हूँ जब मुझे थोड़ा लूज चाहिए होता है, बाकी मेरे स्मॉल साइज बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मैंने ये वाली ड्रेस बाय की है, इसमें आपको बैक में भी इलास्टिक देखने को मिलेगा और वेस्ट में भी, तो इस तरीके की आपको बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है, पहनने के बाद लुक काफी अच्छा आएगा। और इसके साथ ये वाली शर्ट भी मिली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्टाइल कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें, या तो सिंपल आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ओनली केवल ड्रेस स्टाइल कर लो,
वो भी काफी अच्छा आएगा, हाई हील्स के साथ एक अच्छे से क्लच के साथ आप ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। और आप चाहो तो इसे शर्ट के साथ भी स्टाइल करो, बहुत सुंदर लगेगी। तो इस तरीके की आपको इसमें शिफॉन की शर्ट दी गई है, और ये शर्ट ऐसी है, यहाँ पे से आपको फ्रंट में से इसे टाइप करना पड़ेगा। कॉलर है, बिल्कुल शिफॉन का फैब्रिक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, एंड शर्ट में बटन्स नहीं है, ओनली यहाँ पे आप देखो कि टेप लगाई हुई कुछ इस तरीके से दी है, बाकी ये ओपन रहेगी शर्ट, और नीचे की साइड आप इसे टाइप कर सकते हो, तो वो वाला लुक आएगा। एग्जैक्ट लुक मैं आपको क्लिप में ऐड करके बता दूंगी, तो आप विदाउट इसके भी पहन सकते हो, इसके साथ भी पहन सकते हो, काफी अच्छा लुक आने वाला है। 3/4 स्लीव्स मिल जाएगी, उसमें स्लीव्स नहीं है, मतलब अगर आप चाहते हो कि स्लीवलेस नहीं पहनना चाहते हो तो शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल से व्हाइट कलर की शर्ट दी गई है, काफी अमेजिंग सी ड्रेस है, कुछ न्यू पैटर्न है, बहुत ज्यादा क्यूट भी है, तो मैंने ये वाली ड्रेस नेक्स्ट जो है पिक की है। अब जो लास्ट आइटम मैंने आपके पास मीशो से पिक किया है वो है ये वाले बैंगल्स, और मेरी मॉम काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि कलरफुल बैंगल्स लेने के लिए, तो इस तरीके की पैकेजिंग में मिला है, पैकेजिंग आप देख लो काफ़ी अच्छी है। बाकी मीशो पे बैंगल्स क्या है, काफ़ी अच्छे भी हैं, इन अफोर्डेबल प्राइस में भी है। तो ये वाले हैं 4 बैंगल्स का सेट है, 4 बैंगल्स का सेट है जो मैंने परचेज किया है मीशो से, थ्रेड वाले बैंगल्स है, फुल स्टोन वाले, रेड ग्रीन ये स्काई ब्लू और ये वॉलेट कलर में, बहुत ही ब्यूटीफुल से बैंगल्स है। आप देख लो पास से स्टोन लगाए हुए हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ आपको पूरा दिखाने का। और अगर डेली यूज में थ्रेड वाले बैंगल्स पहनते हो तो ऑब्वियसली खराब होते हैं, पर डेली यूज में पहनता कौन है ऐसे बैंगल्स। बाकी अगर आप फंक्शन वगैरह के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग काफी ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं, और आप इसे डिफरेंट डिफरेंट चूड़ियों के साथ स्टाइल कर सकते हो। तो आपको इस तरीके के आपको 4 बैंगल्स का पूरा सेट देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे वर्थ इट भी लगा, इन अफोर्डेबल भी प्राइस में भी लगा। और इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है 2/6, मेरी मॉम के 2/6 आता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज परचेज करना चाहे कर सकते हैं। तो इस तरीके के नेक्स्ट बैंगल्स मैंने बाय किए हैं, एंड क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये था लास्ट आइटम जो मैंने मीशो से परचेज किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा, अगर कलेक्शन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ मीशो से देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, और इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा आउटफिट अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना, जिससे मुझे भी पता चले आपकी चॉइस क्या है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।